और दोस्तों शोमी की जो ये सीरीज होती है वो काफी ज्यादा कमाल की सीरीज होती है, क्योंकि शोमी का एक MI A2 आया था उसमें भी काफी ज्यादा अच्छे कैमरे देखने को मिले थे। और एक नया स्मार्टफोन शोमी ने लॉन्च किया है MI A3, या आप इसे Mi A3 कहिए या आप इसे MI A3 कहिए, काफी ज्यादा अच्छे कैमरे देखने को मिलने वाले इस फोन में। मैं आपको बता दूं ये फोन आपको 24 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इधर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो, और हाँ ऑल वाली घंटी पे क्लिक करना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे Xiaomi के Mi A3 की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.08 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, और ये डिस्प्ले आपकी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो मतलब क्या है, डिस्प्ले के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल होने वाला है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी कमाल का प्रोसेसर है। आप फुल पबजी भी अच्छी तरीके से इस फोन में खेल पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई ऐसे ईयरफोन देख रहे हैं जो कि आपके 500 रुपए के अंदर आते हैं, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर एक बार आप उस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे ईयरफोन्स के परचेज करने का लिंक भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। काफी ज्यादा कमाल के ईयरफोन रखे हैं मैंने आपके लिए, इंटरेस्टेड है तो जाकर के परचेज कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे Mi A3 के रैम और रोम के बारे में। तो आपको बता दूं ये आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB और अगेन 4GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। दो वेरिएंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी Xiaomi के फोन आते हैं उनमें बैटरी 4000 mAh की तो दी ही जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में भी आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। चार्जर कितने वाट का मिलेगा ये कंफर्म नहीं हुआ है। वैसे आपको पता है कि Xiaomi जो होता है वो चार्जर बहुत ही कम देता है, चार्जर और ईयरफोन तो देता ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं Xiaomi की गलत बात है। मैं जैसा कि जानता हूँ कि Xiaomi को इस चीज पर थोड़ा सा सोचना चाहिए और चार्जर और ईयरफोन भी साथ में देना चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप कोई फोन भी देख रहे हैं जो कि आपके अंडर 7000 या अंडर 10000, तो हमने दो डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सारे स्मार्टफोन को खरीदने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं अंडर 10000 का या अंडर 7000 का, दोनों ही वीडियो बनाई है, जाकर के एक बार देख लें, क्या पता आपके लिए आसानी हो जाए। फाइनली बात करेंगे हम लोग Mi A3 के कैमरे के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे फोन्स में कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो चल रहा है 3 कैमरे, तो Xiaomi भी कहां पीछे रहने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, इस फोन में भी आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल जाएंगे। पहला कैमरा जो आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा वो 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि 1.7 एपर्चर के साथ आएगा। दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि वाइड एंगल को सपोर्ट करेगा। और तीसरे कैमरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि कैमरा सेंसर है। बात करें हम लोग यहाँ पे इसके सेल्फी कैमरे को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि पहला ऐसा कौन सा फोन था जो 32 मेगापिक्सल के साथ आया था, वो भी सेल्फी के साथ। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं फोन को लेकर के, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन। फाइनली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी प्राइस को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि इसका 4GB 64GB वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस होने वाली है वो 19000 रुपए होने वाली है। और एक और जो वेरियंट आपको देखने को मिलेगा 4GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, उसकी जो प्राइस होने वाली है वो 21000 रुपए होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है इस प्राइस को लेकर के? वैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो कहीं ना कहीं ठीक प्राइस रखी गई है, क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले के साथ आएगा, 3 कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल का, और सेल्फी के लिए आपको
32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। तो वैल्यू फॉर मनी फोन है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं, तो जरूर से कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फोन आपको 24 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वेट कर रहे हैं इस फोन का तो 24 जुलाई तक रुक जाइए, आप ये फोन खरीद सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा था आपका Mi A3 फोन। कैसा लगा आपको ये फोन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फोन अच्छा लगा हो या ना लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता आपको नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।